वेलकम टू एनलाइवनिंग इंडिया। दोस्तों आज हम वोकैबलरी ऑफ द डे में कुछ शब्द देखेंगे वोकैबलरी के। दोस्तों हमारा पहला वर्ड है इनकॉरिजिबल। दोस्तों इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसमें कोई भी सुधार कार्य नहीं किया जा सके या जिसे सुधारा ना जा सके, इस वर्ड को हम इनकॉरिजिबल बोलेंगे। दोस्तों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनवेटरेट, हैबिचुअल, कन्फर्म्ड, हार्डेंड, इनक्योरेबल या अनरिफॉर्मेबल। दोस्तों एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रिपेंटेंट, ओकेजनल या कॉरिजिबल, जिसमें सुधार कार्य किया जा सके। दोस्तों ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लगिशनेस। स्लगिशनेस का मतलब होता है किसी भी काम को करने में ढिलाई या वीक महसूस करना, डल महसूस करना, तो ये स्लगिशनेस होती है। दोस्तों स्लगिशनेस के सिनोनिम्स हो जाएंगे लिथार्जी, डलनेस, लेजीनेस, इंडोलेंसी या पैसिव। और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एनर्जेटिक, एक्टिव, विगर। दोस्तों किसी भी काम को अगर हम बहुत ही एनर्जी और विगर के साथ कर रहे हैं, एक्टिव होके कर रहे हैं, तो ये इसके स्लगिशनेस के एंटोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये बहुत ही स्लगिश मूड में है ये लड़की। इंटरवेंशन। दोस्तों इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में इंटरफेयर करना या उसको रोकना या किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, इसको हम इंटरवेंशन बोलेंगे। दोस्तों इसके सिनोनिम्स वही हो जाएंगे इंटरप्शन, इंटरफेरेंस या ऑब्स्ट्रक्शन। एंटोनिम्स दोस्तों हो जाएंगे परमिट, किसी को उस चीज़ के लिए अलाउ करना, परमिट करना, प्रमोट करना, एनकरेज करना या एडवांस करना। दोस्तों आप ये देख सकते हैं पिक्चर में ये लड़का है, इस लेडी के साथ इंटरवेन कर रहा है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा दूसरों को अंडर एस्टिमेट करे या सार्कास्ट करे, चीज़ों को लेके डाउटफुलनेस क्रिएट करे, ऐसे व्यक्ति को हम सिनिकल बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सार्डोनिक, सार्कास्टिक, स्कॉनफुल या अनफ्रेंडली ने। तो दोस्तों एंटोनिम्स देखेंगे सिनिकल के कि बिलीविंग, जो आप पे विश्वास करे, अनडाउटफुल, जो आप पे डाउट ना करे, ट्रस्टिंग, विश्वास करे, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आपके तरफ उसका एक पॉजिटिव बिहेवियर हो, और होपफुल मीन्स आपसे आशा करे। तो ये आप देखें सिनिकल का मीनिंग। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलसनेस। मेटिकुलसनेस का मतलब होता है बहुत सूक्ष्मता के साथ किया गया कार्य, यानी बहुत ही एक्यूरेसी और प्रिसाइसनेस के साथ किया हुआ कोई काम है, बहुत ही बारीकी से हम अगर कोई काम करते हैं तो उसे हम मेटिकुलसनेस बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्यूरेट, प्रिसाइस, स्क्रपलस, कॉशियस या थरो। एंटोनिम्स हो जाएंगे मेटिकुलस के केयरलेस, बहुत ही लापरवाही के साथ कोई भी काम किया हुआ हो, इम्प्रिसाइस, इनएक्यूरेट यानी एक्यूरेट ना हो जो कोई काम, अनकेयरफुल। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये पॉटर एक पॉटरी बना रहा है, बहुत ही मेटिकुलस वर्क है ये। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एफॉरेस्टेशन। दोस्तों एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनीकरण करना या पेड़ों को लगाना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एफॉरेस्टमेंट, फॉरेस्टेशन, एबोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। दोस्तों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिनंडेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिसफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की कटाई करना। आप ये देख रहे हैं दो स्कूल की स्टूडेंट्स ये पेड़ लगा रही हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है इडियोसिंक्रेटिक। दोस्तों इडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है कोई अगर किसी विशेष तरीके से पहनावे व्यवहार करे या विशेष तरीके का उसका पहनावा उड़ावा हो, तो उसे हम इडियोसिंक्रेटिक बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्टिंक्टिव, क्वर्की या पिक्यूलियर। एंटोनिम्स उसके हो जाएंगे कॉमन, ऑर्डिनरी, सिमिलर, जनरल और यूजुअल। दोस्तों आप ये लेडी देख सकते हैं ये बहुत ही इसके पहनावे में बहुत ही अलग पहनावा है, अलग तरीके से इसने सारी चीज़ें की हैं, तो ये बहुत ही एक पिक्यूलियर या इडियोसिंक्रेटिक वे में तैयार हुई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्वार्ट। थ्वार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना या करने से रोकना या किसी भी चीज़ को रोकना, हिंडर क्रिएट करना या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना। तो दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं स्टॉप, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट या अपोज। एंटोनिम हो जाएंगे
थॉट के अलाउ करना, किसी भी चीज़ को अलाउ करना, असिस्ट करना, इनकरेज या फैसिलिटेट करना। दोस्तों आप ये देख सकते हैं बहुत सारे लड़के हैं तो ये आपस में एक लड़का दूसरे लड़के को रोक रहा है, मतलब ये थॉट कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में किसी का भी प्रदर्शनी लगाना या किसी भी चीज़ के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सप्रेशन या एग्जिबिट करना अपने आप को। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा हाइडिंग, यानी छुपाना। कंसीलमेंट भी मतलब होता है छुपाना। ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गुप्त तरीके से रखना। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक एग्जिबिशन में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की जा रही हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंट्रेंच्ड। दोस्तों एंट्रेंच्ड का मतलब होता है बहुत ही स्टैब्लिश्ड होना, रूटेड होना या फिक्स्ड होना किसी जगह पे। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे चेंजेबल या इनडेफिनेट, मतलब जो जिसे चेंज या इधर से उधर किया जा सके। जैसे आप देख सकते हैं ये पेड़ जो है काफ़ी एंट्रेंच्ड है, अपनी रूट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड है, इसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है। तो ये I hope you like this video. Thank you for watching this video. If you like this video, please do like, share and subscribe among your friends. Thank you for watching.